गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे 7 नवंबर 2019। तो स्वागत आप सभी का द ब्लू स्काई स्टडी पे। आज का जो हमारा डिस्कशन का बेस्ट है वो बेस्ट इस टॉपिक पे है कि दैनिक जागरण में क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, एक पेपर को किस तरह से पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप सिलेबस ले लें। अगर आप UPSC की तैयारी करते हैं, स्टेट PCS की तैयारी करते हैं, जिस भी PCS की तैयारी करते हैं, वो सिलेबस आप अपने पास रखें और सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर टॉपिक आता है तो उसको वहाँ से देखने का कोशिश करें। मसलन जो पहला टॉपिक है कि रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ से 4 दिन में 5 बड़े फैसले की उम्मीद, तो ये पेपर 2 से आपका रिलेटेड है, GS पेपर 2 से आपका, UPSC के GS पेपर 2 से आपका रिलेटेड है। अदर PCS में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ अपने अकॉर्डिंग आप टॉपिक देख लें। तो यहाँ जो 5 बड़े फैसले की उम्मीद की जा रही है उसमें पहला फैसला अयोध्या मामला, दूसरा है सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश, तीसरा है CGI के ऑफिस में RTI, चौथा है राफेल सौदे को फैसले पर पुनर्विचार। तो ये जो 4 फैसला है ये कहीं ना कहीं आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इस पर गौर से नज़र रखने का कोशिश करें। अयोध्या मामले पे जब भी फैसला आएगा उसको अच्छे से देखें। सबरीमाला पे ऑलरेडी फैसला आ चुका है, अभी पुनर्विचार याचिका दायर की गई है, उस पर फैसला आना है। CGI के ऑफिस में RTI क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और राफेल सौदे पे जो है पुनर्विचार हो रही है, तो ये UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पोर्टेंट है या आपके स्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से जो है स्टेट PCS के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। सेकंड न्यूज़ जो हमारे पास है कि अब अफसरों को दंडित करने का वक्त। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है काफ़ी सख्त टिप्पणी की है। किस पे टिप्पणी किया है? दिल्ली पंजाब हरियाणा के जो है मुख्य सचिव की जो बैठक की गई, दिल्ली हरियाणा पंजाब के मुख्य सचिव का जो है बैठक हुआ सुप्रीम कोर्ट में, और उसमें जो है सख्त टिप्पणी इन्होंने किया। तो अब यहाँ UPSC 2 पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, या UPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 तरह से आप इसको सोचें। पहला तो सोचें कि प्रदूषण के लेकर के ये जो है मामला हुआ है, तो प्रदूषण की समस्या क्या है, उसका क्या क्या समाधान होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, प्रदूषण कैसे क्रिएट होता है दिल्ली में, पहला। दूसरा क्या है कि जुडिशियल एक्टिविज्म जो है, यानी न्यायिक सक्रियता जो है किस तरह से आगे बढ़ चुकी है, चूँकि जो है पराली जलाने की समस्या या जो प्रदूषण की समस्या है ये जो है कार्यपालिका का काम है, इसको सॉल्व करने का काम जो है कार्यपालिका का है, यानी एग्जीक्यूटिव का काम है कि इसको जो है किस तरह से सॉल्व करना है, वो एग्जीक्यूटिव का काम है। लेकिन चूंकि एग्जीक्यूटिव अपने आप को अपने काम को जो है पूर्ण रूप से जो है कर नहीं रही है, अच्छे से कर नहीं रही है, इसलिए न्यायपालिका उसको निर्देश देने का काम कर रही है। यानी प्रदूषण की समस्या अगर दिल्ली में है तो उसको सॉल्व करने का काम कार्यपालिका का है, लेकिन कार्यपालिका चूंकि काम अपने काम को अच्छे से कर नहीं रही है इसलिए न्यायपालिका उसको निर्देश दे रही है, इस रूप में भी इसको देखने का कोशिश करें आप, ठीक है। तो बहरहाल हम डिस्कस करते हैं प्रदूषण की समस्या को लेकर के। प्रदूषण की समस्या का रीज़न क्या क्या है? जो एक रिपोर्ट आया है उस रिपोर्ट के अनुसार 46% जो रीज़न है पराली जलाने के कारण प्रदूषण होता है। सेकंड है कि दिल्ली में हज़ारों फैक्ट्री है जहां कोयला का भी इस्तेमाल होता है, बदरपुर के साइड में जो है काफ़ी कोल फैक्ट्री है, वहां पे वाहन से प्रदूषण होता है, और दिल्ली की जो भौगोलिक स्थिति है ये भी पॉल्यूशन के लिए ज़िम्मेदार है। मसलन जैसे मुंबई जो है समुद्र के किनारे बसा हुआ है, वहाँ पॉल्यूशन नहीं है, काफ़ी कम है, और दिल्ली जो है चूँकि सेंटर है, बीचों बीच बसा हुआ है, इसलिए काफ़ी पॉल्यूशन है यहाँ पर। सॉल्यूशन क्या क्या है? सॉल्यूशन यह है कि हैप्पी सीडर मशीन के लिए जो है यूज किया गया, सरकार ने हैप्पी सीडर मशीन लगभग 50% से लेकर 80% सब्सिडी दी है। उसके बाद ऑड इवेंट नीति लागू किया गया है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, ये एयर प्यूरीफायर है वायु, इसका इस्तेमाल दिल्ली के काफ़ी जगह किया गया है। उसके बाद ग्रेप रणनीति, EPCA के द्वारा एक रणनीति यूज किया जाता है जिसको कहा जाता है ग्रेप, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, ये EPCA लागू करती है। इसके तहत दिल्ली में जब पॉल्यूशन का समय होता है, पीक पॉल्यूशन का समय होता है, यानी 15 अक्टूबर से ऑनवर्ड, ये यहाँ पे ग्रेप नीति लागू कर देती है जिसके तहत जो है वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दिया जाता है दिल्ली में। उसके बाद जो है कई उद्योग जो है उसको बंद कर दिया जाता है, नए निर्माण को बंद कर दिया जाता है, ये सारा का सारा प्रोविजन किया जाता है किसके तहत? ग्रेप के तहत। इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल, अगर हमारे पास समस्या है वाहनों के प्रदूषण का, तो इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल उसका एक समाधान है। वेस्ट टू एनर्जी, किस तरह से पराली का इस्तेमाल किस तरह से जो है एनर्जी के रूप में किया जाए, मसलन पराली का इस्तेमाल जो है पेट्रोल बनाने के लिए मिथेनॉल के रूप में भी किया जा सकता है, कागज़ बनाने के लिए भी किया जा सकता है, चारा के रूप में भी किया जा सकता है, तो किस तरह से पराली का इस्तेमाल किया जा सकता है। बिहेवियर चेंज, लोगों को व्यवहार में बदलाव की ज़रूरत है, और आर्टिफिशियल रेन के माध्यम से भी पॉल्यूशन की समस्या को दूर किया जा सकता है।
मसलन यहाँ पे जो एक और यहाँ पे देखोगे आप, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश से अपने ऐसे सभी लघु और सीमांत किसानों को 7 दिन के भीतर प्रति क्विंटल 100 रुपये देने का निर्देश दिया जिसने पराली नहीं जलाई है। यानी अगर आप पंजाब से हैं, हरियाणा से हैं और उत्तर प्रदेश से हैं, आपके पास पराली है और आपने अभी तक पराली नहीं जलाया है, तो सरकार को पराली जो है आप 100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बेच सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिया है कि ये लोग जो है अब किसानों से पराली जो है खरीद सकते हैं, यानी किसानों की आय को बढ़ाने का स्रोत भी एक तरह से पराली हो सकता है, प्रति क्विंटल 100 रुपये। देखो ये सब हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे करतारपुर कॉरिडोर है तो करतारपुर निश्चित तौर पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, डेली चर्चा में रह रहा है। उसके बाद जो है कुछ दिन के बाद इसका उद्घाटन होने वाला है, उद्घाटन के बाद हम जो है इस पर डिटेल से एक बार फिर डिस्कस करेंगे। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, प्रगति। प्रगति जो है किस तरह से टेक्नोलॉजी लोगों के जीवन को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, किस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है प्रशासन को अच्छी तरह से संचालित करने के लिए किया जा सकता है, उसका एक शानदार उदाहरण है प्रगति ऐप। प्रगति एक ऐसा ऐप है जिसके माध्यम से जो है राजीव गांधी के समय में ये कॉन्सेप्ट आया था कि डीएम और पीएम मीटिंग की जो है कॉन्सेप्ट राजीव गांधी के समय में आया था, 1980 के दशक में आया था, डीएम और पीएम की मीटिंग, यानी प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली डीएम वगैरह से भी कंसल्ट कर सकते हैं, तो वो आज साकार रूप पे हो रहा है। और किस ऐप के माध्यम से हो रहा है, उसका नाम है प्रगति। तो प्रगति के बारे में आप जाने, प्रगति को कहा गया प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। प्रगति को कहा गया इट इज आल्सो अ रोबोस्ट सिस्टम फॉर ब्रिंगिंग अ ई ट्रांसपेरेंसी एंड ई अकाउंटेबिलिटी विद द रियल टाइम प्रेजेंस एंड एक्सचेंज अलोंग द की स्टेक होल्डर। 2015 में इसको लॉन्च किया गया था, 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। यानी प्राइम मिनिस्टर जो है, जैसे मसलन जैसे मान लीजिए आपके एरिया में कोई रोड वगैरह बन रहा है या कोई बड़ा सा जो है जैसे रेलवे का कोई बहुत बड़ा प्लांट लग रहा है, तो उस प्लांट में अगर रुका हुआ तो प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली उस राज्य के जो है चीफ सेक्रेटरी से या उस प्लांट का जो हेड होगा वहाँ पे उससे जो है डायरेक्टली कंसल्ट कर सकता है, डायरेक्टली उसको निर्देश दे सकता है। तो अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी जो है और इलेक्ट्रॉनिक्स अकाउंटेबिलिटी के लिए जो है एक शानदार उपाय है प्रगति, राइट। जैसे ये एक टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक ये भी इंपॉर्टेंट है। सूचना आयोग में राज्य नियुक्ति पर केंद्र और जो है 9 राज्य से रिपोर्ट मांगी है। तो यहाँ पे जो है सूचना आयोग क्या है, सूचना आयोग की नियुक्ति किस तरह से होती है, ये प्रोविजन बेसिक प्रोविजन आप अपने प्रिलिम्स जो सॉरी आप अपने जो है जो बुक है आपका लक्ष्मीकांत उसे जाकर देख लें, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। कॉलेजियम प्रणाली की समीक्षाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार, तो ध्यान से सुने इसको। अभी तक 4 जजेज केस हो चुके हैं। फर्स्ट जजेस केस कब हुआ था, 1982 में हुआ था। उस पर क्या हुआ था, इशू क्या, पहले वो इशू क्या पहले बता देता हूँ आपको कि अगर कॉलेजियम बैठता, कॉलेजियम जो है कॉलेजियम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं प्लस जो है वरिष्ठ 4 जज होते हैं। एक कॉलेजियम के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस वरिष्ठ 4 जज जो होते हैं वो कॉलेजियम का पार्ट होते हैं। वो जो है किस न्यायालय में किस न्यायाधीश की नियुक्ति करनी, किस हाई कोर्ट में किस न्यायाधीश की नियुक्ति करनी या सुप्रीम कोर्ट में किस न्यायाधीश को लाना है, इस पे वो अपना डिसीजन लेते हैं और वो अपना डिसीजन यानी अपना जो परामर्श है वो सौंप देते हैं राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति जो है उस परामर्श के अकॉर्डिंग निर्णय लेता है। तो पहले क्या था कि वो परामर्श मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं किया गया था, लेकिन 1993 में जो है 9 जजों की जो है एक पीठ बैठी थी जिन्होंने कहा कि यानी ये जो कॉलेजियम है यानी ये जो 5 जजों की टीम है सर्वोच्च न्यायालय की, ये जो परामर्श देगा राष्ट्रपति को वो राष्ट्रपति को परामर्श नहीं है, वो अनिवार्य सहमति है, यानी राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्य है, राइट। तो अब आपको समझ में आएगा पहला जजेस केस में क्या हुआ था कि न्यायालय ने कहा यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि परामर्श का अर्थ होता है विचारों का आदान प्रदान। यदि मान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सॉरी सुप्रीम कोर्ट के कॉलिजियन ने ये कहा कि अमूमन किसी हाई कोर्ट में इस जज की नियुक्ति होनी चाहिए या सुप्रीम कोर्ट को
इस जज को जो है सुप्रीम कोर्ट लाया जाए, तो वो जो है परामर्श मानने के लिए उस समय जो है बाध्य नहीं था, राष्ट्रपति परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं था, क्योंकि परामर्श का अर्थ होता था विचारों का आदान प्रदान, यानी हम अगर कुछ राय आपको दे रहे हैं तो आप भी हमें कुछ राय दे सकते हैं। ये सेकेंड, ये इम्पोर्टेंट था। सेकेंड जजेस केस जिसकी चर्चा यहाँ पे की गई है उसको बोला जाता है सेकेंड जजेस केस 1993। इसमें न्यायालय ने यानी सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि परामर्श का अर्थ होता है सहमति, यानी हमने जो डिसीजन लिया कलेक्टिव रूप से उस डिसीजन को मानने के लिए आप बाध्य हैं। तीसरा थर्ड जजेस केस 1998 में कहा गया है कि सीजीआई का परामर्श जो है बहुसंख्यक न्यायाधीशों का परामर्श होगा, यानी सीजीआई जो है सिर्फ ऐसा नहीं कि सीजीआई अपने मन से कुछ भी कर सकता है, अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है, ऐसा नहीं है। सीजीआई अगर 5 जज है कॉलेजियम में, अगर 5 जज है कॉलेजियम में टोटल मिलाकर, सीजीआई को मिला करके 5 जज है कॉलेजियम में, तो 5 में मिनिमम 3 जजों की जो है सहमति के आधार पर एक परामर्श होगा जो राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। तो 3 जज होंगे यानी बहुसंख्यक आधार पर निर्णय लिया जाएगा। और फोर्थ जजेज जो केस है ये इम्पोर्टेंट है, फोर्थ जजेज केस, इसमें 99th संविधान संशोधन हुआ था 2014 में, इसके तहत एनजेएसी का गठन किया था सरकार ने, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमेटी का गठन किया गया था। इस कमेटी में सरकार ने क्या किया है कि जजों की नियुक्ति जो है उसके लिए जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के कुछ न्यायाधीश, उसके अलावा सरकार के भी कुछ प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे, जो मिल करके निर्णय लेंगे कि किस जज को कहाँ नियुक्त करना चाहिए। तो इसके लिए 99th संविधान संशोधन हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। इसी का केस था फोर्थ जजेस केस, इसी को कहा जाता है, जो 2015 में हुआ था, जिसमें 99th संविधान संशोधन यानी एनजेएसी को जो है सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया। क्यों घोषित किया? कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आर्टिकल जो 50 है फ्रेंच स्कॉलर रहे हैं, उसका नाम है मोंतेस्क्यू। मोंतेस्क्यू ने एक शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया था और इसके आधार पे जो है यानी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों अलग अलग होगी, ठीक है। तो इसको मानने वाला जो पहला देश था वो था अमेरिका। भारत में क्या हुआ है कि इसी को आंशिक रूप से भारत में अपनाया गया, मोंतेस्क्यू के सिद्धांत को आंशिक रूप से अपनाया गया और आर्टिकल 50 में उसको स्थान दिया गया। आर्टिकल 50 का अर्थ हुआ है कि न्यायपालिका को जो है स्वतंत्रता दी गई है कार्यपालिका और विधायिका से। तो इसलिए न्यायपालिका की अगर कुछ चुनाव होगी तो उसमें कार्यपालिका शामिल नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि आर्टिकल 50 के तहत तो हमें जो है आपसे स्वतंत्रता प्राप्त है, इसलिए आप शामिल नहीं होंगे हमारे निर्णय में। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 50 का पक्ष रखते हुए इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया था। ये देखो ये इम्पोर्टेंट है, हमने डिस्कस किया था, अगर हमारा वीडियो नहीं देखे तो प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं आप, वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि निजता के अधिकार को लेकर भारत गंभीर है, डाटा एकाधिकार मंजूर नहीं। प्रसाद, तो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद, उन्होंने कहा है कि निजता का अधिकार की रक्षा करना भारत की प्रतिबद्धता है, भारत ने अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है। इशू क्या है? देखो बेसिक इशू यह है कि व्हाट्सएप जो है के माध्यम से जासूसी की जा रही थी। ऐसे मान लेते हैं कि हमने व्हाट्सएप, हमारे पास एक वायरस था जिसका नाम था पेगारस वायरस। इस पेगारस वायरस को जो है किसी भी व्हाट्सएप पे जो है मिस कॉल के माध्यम से इंसर्ट किया जा सकता था। मतलब मुझे अगर आपके मोबाइल को जो है हैक करना है तो मुझे एक मिस कॉल देना था बस आपके व्हाट्सएप पे, तो मिस कॉल के माध्यम से आपके जो है व्हाट्सएप पे पेगारस वायरस जाता और उसके माध्यम से मैं आपके पूरी डाटा को जो है यूज कर सकता था, आपका जीमेल देख सकता था, आपका जो है फोटो वीडियो सब कुछ देख सकता हूँ। तो इस तरह का काम जो है पेगारस के वायरस के माध्यम से किया जा रहा था। तो यहाँ पे सबसे अधिक यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए अधिक इम्पोर्टेंट है कि डाटा को किस तरह से सुरक्षा प्रदान किया जाए। डाटा लोकलाइजेशन की चर्चा की गई थी और एम श्री कृष्णा समिति की भी चर्चा की गई है। तो ये भी आप याद रखें कि डाटा प्रोटेक्शन के लिए सरकार कानून लेकर आ रही है, उसका ड्राफ्टिंग तैयार हो रहा है, किसकी रिकमेंडेशन पे? एम श्री कृष्णा समिति की रिकमेंडेशन पे। तो इस न्यूज को जानने का मतलब ये है कि एम श्री कृष्णा समिति का रिकमेंडेशन भी आप पर है, राइट। अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा तो प्रीवियसली वीडियो देख लें, हमने डिस्कस किया है डाटा लोकलाइजेशन और डाटा प्रोटेक्शन के बारे में। ये राजनीति पेज होता है, ये जो राजनीति पेज होता है ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। करतारपुर कॉरिडोर निश्चित तौर पे इंपॉर्टेंट है, एक बार हम डिटेल्स इस पर डिस्कस करेंगे।
लेकिन अब एक दो दिन में उद्घाटन होने वाला, उद्घाटन के बाद हम इस पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। करतारपुर कॉरिडोर क्या है, गुरु नानक जी का क्या योगदान रहा है, ये सारा का सारा चीज़ इम्पोर्टेंट होगा हमारे लिए इस बार। देखो एडिटोरियल में जो है, पहला एडिटोरियल है, ये जो पहला एडिटोरियल है, बैर बढ़ाने वाले अहंकार टकराव। आपको पता है कि दिल्ली पुलिस और दिल्ली में वकीलों के बीच में काफ़ी झड़प हुआ है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगे हैं। सॉरी, तो हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट होगा कि पुलिस रिफॉर्म्स एक्ट क्या है, पुलिस रिफॉर्म्स के लिए क्या क्या जो है काम हो रही है, सरकार क्या क्या कर रही है। अभी तक पुलिस एक्ट 1861 में जो है, कल हमने डिटेल से डिस्कस किया था इस पर कि 1861 का पुलिस एक्ट चल रहा है जो अभी भी इंडिया में चल रहा है, तो आवश्यकता है इसको सुधार करने की। औपनिवेशिक मानसिकता से जो पुलिस उस समय में काम कर रही थी उसको सुधार करने की आवश्यकता है। वर्तमान में पुलिस और लोगों के बीच में जो परस्पर पीपल फ्रेंडली रिलेशन हो इसके लिए भी काम करने की आवश्यकता है, तो बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है ये। हमारे लिए कह सकते हो आप इम्पोर्टेंट है कि नई शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति के प्रारूप की खामियां। तो गवर्नमेंट जो है एजुकेशन पॉलिसी लेकर आ रही है 1988 में जो है शिक्षा नीति आई थी, और उसके बाद जो है 2019 में शिक्षा नीति आ रही है, लगभग 30 साल के बाद इस तरह का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। तो अभी हमारे पास पूरा ड्राफ्ट नहीं आया, इसलिए हम डिस्कस नहीं करेंगे इसमें, लेकिन ये जब भी आएगा हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। नई शिक्षा नीति का क्या क्या प्रोविजन है, क्या क्या प्रावधान है, ये जब भी आएगा, ड्राफ्ट आएगा, उस पर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, और वो हमारे लिए कहीं अधिक इम्पोर्टेंट होगा। इसी तरह से आरसीपी में शामिल नहीं होने के निहितार्थ, देखो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आरसीपी जो है लगातार पिछले 10 दिन से लगातार मैं डिस्कस कर रहा हूँ आरसीपी के बारे में, प्रीवियसली वीडियो में हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया है। तो आरसीपी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आरसीपी में क्या था कि 16 कंट्री थे, पहले 16 देश थे, 10 आसियान के देश प्लस 6 अन्य देश थे, उसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत, चीन, दक्षिण कोरिया और जापान आता था। इस देशों के बीच में एक एफटीए की चर्चा थी, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना था इन देशों के बीच में, उसकी चर्चा थी। यानी ये देश जो है आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर पाए इसकी चर्चा थी। फाइनली भारत ने इसमें ना कर दिया, भारत ने कहा है कि वो आरसीपी में वर्तमान में शामिल नहीं हो सकता है। तो 2012 में आरसीपी की स्थापना हुई थी और 2019 में 7 वर्षों के बाद भारत ने फाइनली इसमें ना कर दिया। तो आरसीपी में भारत ने ना क्यों कहा है, तो पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न, देखो यहाँ पे एक डाटा मैं आपको दिखाता हूँ, कभी कभी पेपर में भी गलती देता है। ये देखो कि भारत का चीन वैसे तो सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है, मगर उसके मुकाबले हमें सालाना 54 लाख करोड़ रुपए का मूल्य का व्यापार घाटा झेलना पड़ रहा है। ये गलत डाटा दिया हुआ, एक्चुअल में जो है डाटा है वो है कि 54, चाइना के साथ जो है हमारा जो व्यापार घाटा होता है 54 बिलियन डॉलर का होता है, 54 बिलियन डॉलर का होता है, ठीक है। इसको रुपए में कन्वर्ट करोगे तो 1 बिलियन में लगभग आता है, 1 बिलियन डॉलर में लगभग आता है रुपए, अगर 1 रुपये अगर 70 रुपये के आसपास है तो लगभग 7,000 करोड़ के आसपास आएगा, 7,000 करोड़ इंडियन करेंसी में आती है। तो 54 लाख करोड़ का मतलब हो जाएगा लगभग 7×5 35, लगभग 3.5 लाख करोड़ के आसपास जो है व्यापार घाटा है। तो भारत का जो है, भारत का व्यापार घाटा चीन के साथ लगभग 54 बिलियन डॉलर है, कभी कभी पेपर में भी गलत दिया रहता है। देखो 1 बिलियन में, वन बिलियन में जो होता है, 1 बिलियन से पहले मैं ये बता दूँ, वन के 1000 को कहा जाता है, 1 मिलियन जो होता है वो 1000 में 3 जीरो होता है, फिर 3 जीरो ऐड कर दो तो ये 1 मिलियन हो गया। 1 ट्रिलियन में, 1 बिलियन में जो होगा ये 6 जीरो होगा, और 10 पे जो है 9 जीरो जो होगा 1 बिलियन होगा, और 1 ट्रिलियन जो होगा, देखो 1K जो होगा 10 पे 3 जीरो 1K होगा, 1 मिलियन जो होगा 10 पे 6 जीरो होगा, 1 बिलियन जो होगा वो होगा 10 पे 9 जीरो होगा, और 1 ट्रिलियन जो होगा ये होगा 10 पे 12 जीरो। तो 3 के अनुपात में बढ़ता है, जिस तरह से इंडिया में जो है 100 के अनुपात में बढ़ता है, 100 लाख करोड़ इक्वल टू 1 करोड़ होगा, 100 करोड़ इक्वल टू 1 अरब होगा, तो उसी तरह से अमेरिका का सिस्टम है, मिलियन के मिलियन बिलियन ट्रिलियन, जो 3 के अनुपात में बढ़ता है।
यानी एक के पे 3 जीरो होगा, मिलियन पे 6 जीरो होगा, बिलियन पे 9 जीरो होगा, और ट्रिलियन पे 12 जीरो होगा, राइट। बेसिक चीज़ है, याद रखें, कभी कभी इसमें भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आरसीपी में भारत शामिल नहीं होगा, क्यों शामिल नहीं हुआ? तो पहला इशू था कि भारत का जो है व्यापार घाटा, आरसीपी के 11 देशों के साथ भारत का व्यापार घाटा था, सिर्फ चाइना के साथ 54 बिलियन डॉलर का व्यापार घाटा था। और टोटल मिला दिया जाए 11 देशों के साथ, यानी आरसीपी के जितने 11 देश हैं उसके साथ भारत का 105 बिलियन ट्रेड डेफिसिट था। इसको अगर रुपए में कन्वर्ट करोगे तो लगभग आ जाएगा 7.5 लाख करोड़ के आसपास घाटा था। भारत की वर्कफोर्स अभी उत्पादन के लिए तैयार नहीं थी। भारत की मात्र 2% जो है कार्यशील जनसंख्या जो है कौशल युक्त है, यानी भारत में जो है अभी कौशलता की कमी है। जैसे मान लेते हैं कि चीन में एक पेन को 10 रुपये में बना रहा है, तो अगर हमारी जो कौशलता है इस रूप में तैयार नहीं है कि उस पेन को हम 10 रुपये या 10 रुपये से कम में भी बना पाएँ, राइट। ई कॉमर्स कंपनी को लेकर चिंता थी भारत का। उसके बाद डाटा लोकलाइजेशन, जिस पर लगातार चर्चा हो रही है अभी देश में, कि डाटा के लोकल ही स्टोर किया जाए, डाटा को देश के बाउंड्री के भीतर स्टोर किया जाए, इस पर भी विराम लग सकता था। और भारत और चीन जो है, चीन और अमेरिका के बीच में ट्रेड वार चल रहा है, भारत इस समझौते में शामिल हो जाता तो अमेरिका के पास एक मैसेज जा सकता था। अमेरिका यह सोच सकता था कि चीन का झुकाव अमेरिका सॉरी भारत का झुकाव चीन के पक्ष में अधिक है, यानी ट्रेड वार के चलते जो है अमेरिका को यह संदेश जाता है कि भारत का झुकाव चाइना के पक्ष में है, इसलिए भारत को शामिल नहीं होना चाहिए इसमें। उसके बाद भारत को वस्तु के साथ साथ सेवा को भी एफटीए में शामिल करवाने की मांग करनी चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो होता है वो सिर्फ वस्तु के बीच में होता था। जैसे हमारे पास कोई वस्तु है, कोई सामान है, हम चाइना को में बेच रहे हैं, चाइना कोई सामान है इंडिया में बेच रहा है, तो वो उसके बीच में जो है एफटीए होता था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता था। लेकिन भारत की जो सबसे बड़ी खासियत है, भारत का जो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, भारत का सॉफ्टवेयर है। भारत सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में वर्ल्ड में लीड कर रहा है। सॉफ्टवेयर किस चीज़ में आता है? सेवा में आता है। तो सेवा को जो है टैरिफ फ्री नहीं किया गया था, सिर्फ वस्तु को किया गया था, तो ये भी इशू है। तो किन किन इशू के कारण जो है भारत आरसीपी में शामिल नहीं हुआ, तो बेसिक यही 6-7 इशू है, उसको आप याद रखेंगे। यहाँ देखो डेंगू वायरस के बारे में चर्चा है, ये ताकतवर हुआ डेंगू वायरस। तो डेंगू वायरस कैसे हमला करता है, नहीं करता है, क्या होता है नहीं होता, उसके बारे में बेसिक आप देख लें। और इस न्यूज़ से आप जो है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के बारे में जो है एक बार जाकर बेसिक से देख लें। तो इसमें चर्चा किया गया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका माध्यम से जो है काफ़ी महिलाएं जो है प्रगति कर रही है। तो बेसिक अगर इस योजना की चर्चा आज पेपर में दिया हुआ तो उसको जाकर अपने स्टेटिक पोर्शन से देख लें, काफ़ी पुरानी योजना है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। देखो जैसे मरम्मत के इंतजार में गरता गली के हेरिटेज सीढ़ियाँ, तो गरता गली जो है कहाँ पे है, तो उत्तराखंड में पड़ता है, उत्तरकाशी में है, यानी उत्तराखंड में ही गरता गली है। तो हो सकता है स्टेट पीसीएस में या यूपीएससी में भी कभी कभी पूछ देता है, या कह सकते हो वन डे एग्जाम के जो लोग तैयारी कर रहे हैं, तो बेसिक आप याद रखें गरता गली कहाँ पे है, गरता गली की हेरिटेज सीढ़ियाँ कहाँ पे हैं, तो वो पड़ता है उत्तराखंड में। देखो यहाँ पे जो है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखो, आप इसको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, ट्रेड वार से भारत को जो है 5,360 करोड़ का लाभ हुआ। तो ट्रेड वार जो अमेरिका और चीन के बीच में ट्रेड वार चल रहा है, उस ट्रेड वार में जो है भारत एक अच्छा पक्ष के रूप में मजबूत हो सकता है। यानी ऐसा उत्पाद जो चाइना के पास अमेरिका का आता था, और ट्रेड वार के कारण जो है वो उत्पाद चाइना के पास आना बंद हो गया अमेरिका के द्वारा, अमेरिका ने उसको देना बंद कर दिया, उस उत्पाद को उससे सस्ता कीमत पर अगर इंडिया दे देता तो एक अच्छा इनिशिएटिव था। उसी तरह से सोचो अमेरिका के पास, यूएसए के पास जो उत्पाद जो है चीन दे रहा था, और ट्रेड वार के कारण वो उत्पाद चीन ने देना बंद कर दिया, उस उत्पाद को अगर सस्ते दौर पे अगर इंडिया जो है यूएसए को दे देता, तो वहाँ पे जो है भारत के लाभ की कंडीशन थी। तो ट्रेड वार को अगर कहीं निगेटिव पॉइंट है तो कहीं इसके पॉजिटिव पॉइंट भी है, और एक पॉजिटिव पॉइंट यह है कि ट्रेड वार को जो है भारत एक अच्छे संदर्भों में यूज कर सकता है, भारत इसको फायदा ले सकता है, और लिया भी इंडिया 5,360 करोड़ का प्रॉफिट हुआ इंडिया को। तो यहाँ से बेसिकली अगर आपको देखना है तो वो देख लो कि ट्रेड वार क्या है,
बेसिक देखो ट्रेडमार्क का क्या पॉजिटिव पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट है, और पॉजिटिव पॉइंट में इस चीज़ को जाकर मेंशन आप कर सकते हो कि ट्रेडमार्क से भारत को फायदा हो सकता है, और इस डाटा को भी आप लिख सकते हैं। यहाँ फ्यू का चर्चा है। फ्यू जो है एक फेडरेशन है, निर्यातकों का एक फेडरेशन है जिसका नाम है फ्यू। भारत सरकार सॉरी इंडिया में ही एक फेडरेशन है फ्यू, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम है। इसके आधार पे जो निर्यात किया जाता है उसका एक जो है फेडरेशन है। तो इसमें भी बेसिकली इसी आरसीपी में क्यों शामिल होना चाहिए भारत को, क्यों नहीं हुआ भारत, तो उसी बारे में चर्चा है। देखो भारत पाक ने चीन के आगे फिर फैलाया हाथ, तो इस न्यूज़ को अगर आप पढ़ोगे तो ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है और कई बार चर्चा में हम लोग भी कर चुके हैं, लगातार चर्चा कर चुके हैं। तो यहाँ पे बेसिकली सीपेक के बारे में आप जानो। सीपेक के बारे में क्या है? सीपेक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, लोकेशन जरूर आप याद रखें, चाइना के झिंगियान प्रांत से पाकिस्तान के ग्वादर एयरपोर्ट तक ये आता है। बीच में किस किस लोकेशन से आता है, इंडिया का किस लोकेशन को टच करता है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का कुछ लोकेशन से ये जो है आता है, कहाँ टच करता नहीं करता, वो बेसिक आप याद रखें। हांगकांग में लोकतंत्र की मांग करने वाले पे जल्द हो सकती है सख्त कार्रवाई, ठीक है। तो ये न्यूज़ हमने कल भी डिस्कस किया था। इसमें इशू क्या था बेसिकली कि 1997 में जो है ब्रिटेन ने हांगकांग को चीन के हवाले कर दिया, और उसके बाद जो है चीन ने जो है हांगकांग पे शासन करने के लिए एक देश दो प्रणाली स्थापित की। यानी चीन में जो है कम्युनिस्ट सरकार है, कम्युनिज्म की सरकार है, और लोकतंत्र जो है हांगकांग में है। हांगकांग में डेमोक्रेसी है और चीन में जो है कम्युनिस्ट सरकार है, लेकिन फिर भी जो है चीन का ही पार्ट है, हांगकांग चीन का पार्ट है। इशू क्या आ रहा था अभी वर्तमान में? इशू ये आ रहा था कि चीन हांगकांग में एक विधेयक लाया गया है, हांगकांग सरकार ने एक विधेयक लाया जिसका नाम है प्रत्यर्पण कानून। इस कानून के माध्यम से जो है अगर हांगकांग में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उसे चाइना को सौंप दिया जा सकता था। तो उसके बाद जो है काफ़ी हांगकांग के लोगों ने इसका विरोध किया, वहाँ के बुद्धिजीवी लोगों ने काफ़ी विरोध किया कि अगर हांगकांग में गिरफ्तार किया गया है तो हांगकांग में ही रखें, आप चीन को क्यों सौंपिएगा। पहला इशू तो ये है। दूसरा इशू है कि 1997 में जो है ब्रिटेन जो है चीन को दे दिया हांगकांग, और उसके बाद जो है 50 साल के लिए दिया, 2047 तक, यानी 50 साल होने तक जो है एक देश दो प्रणाली वहाँ पर रहेगा। हांगकांग में एक देश दो प्रणाली रहेगा, यानी हांगकांग में लोकतंत्र स्थापित रहेगा। 2047 के बाद चीन पे डिपेंड हो जाएगा कि चीन वहाँ क्या करना चाहता है, चीन क्या उसको पूरी तरह से एक देश दो प्रणाली पर रहने दिया जाएगा, या चीन उसको अपने में पूरी तरह से मिला लेगा, यानी चीन में भी सॉरी हांगकांग में भी उसके बाद जो है कम्युनिज्म सरकार आ जाएगी। तो इसको लेकर के हांगकांग के लोग चिंतित है कि 2047 के बाद हो सकता है कि चीन जो है कम्युनिस्ट सरकार जो है हांगकांग में अपने में पूरी तरह से मिला ले और वहाँ भी कम्युनिस्ट सरकार की स्थापना कर दे। तो बेसिक इसको लेकर के डिस्प्यूट है। चलिए आज हमारे पास इतना ही है। ये आर्टिकल भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कल हमने जो है जलवायु परिवर्तन क्या होता है उस पर डिस्कस किया था, आप जाकर हमारा वीडियो देख सकते हैं। और अगर ये आज हमारे पास इतना न्यूज़ था, हमने अपना टेलीग्राम चैनल बना लिया है, लिंक में जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में टेलीग्राम चैनल का जो है आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके बाद जो ये पेपर है, पेपर में क्या पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, हमने हाईलाइट करके उस पेपर को जो है टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया। तो अगर आपको पेपर अवेलेबल नहीं होता और आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो हमारा पेपर वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।